गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम जो आपको दिखाने वाले हैं वो है हरियाणा मेल पूरा लाइफस्टाइल, कैसे लोग यहाँ पर रहते हैं, रहन सहन कैसा है और यहाँ पर सुबह का जो रूटीन वर्क है वो कैसे रहता है। चलिए आज आपको उससे रूबरू कराएंगे, किस प्रकार से अलग अलग गाय और उनको रखा जाता है और सारी चीज़ों के बारे में आज आपको दिखाएंगे। तो यहाँ का जो रूटीन है, सबसे पहले सुबह गाय हैं जो अलग अलग ब्रीड्स की हैं उनको अच्छे से चारा खिलाना, ये रूटीन लेडीज़ का रहता है। ये देखिए, ये मच्छरदानी स्पेशली गायों के लिए लगाई गई है ताकि इनका मच्छरों से बचाव। अच्छा, ये कौन कौन सी ब्रीड्स की गायें हैं? गिर नस्ल। क्या खासियत है, क्या बहुत इसका दूध अच्छा होता है? बहुत अच्छा। गिर नस्ल की ये गाय है और ये जर्सी नस्ल की। हाँ, ये और गायों से दिखने में ऐसे लंबी है काफी। हाँ, और ये सब जो बाकी ही ब्रीड है यहाँ पर गायों की, ये है देसी गाय। तो इनको काफी सुबह सुबह ही खाना या चारा देना होता है। और देखिए यहाँ पे जो जर्सी गाय है, ये गिर गाय है, बहुत ही शांत स्वभाव गिर जो गाय का है। और सुबह आप दूध किस टाइम निकाल लेते हैं गायों का? सुबह 5 बजे। ये देखिए, पूरा इनके लिए नेट का इंतजाम किया गया है और ये जो घर है, घर से बाहर निकलते ही नहर है। तो गांव की सुबह बहुत ही शांत। ये मक्खन निकालते हुए सुबह सुबह का जो रूटीन रहता है। अच्छा, ये मक्खन गाय का है या भैंस का आंटी जी? भैंस का। देखिए, इसमें अब मक्खन को छाछ से अलग कर देंगे, जिसे हम लूणिया घी बटर सब कहते हैं। तो प्राकृतिक रूप से ये मिट्टी के घड़े में तैयार किया हुआ है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और उत्तम माना जाता है। और ये इसमें एक साथ इकट्ठा कर देंगे और फिर चाहे तो इस बटर को ऐसे खा सकते हैं प्लेन रोटी के ऊपर रखकर, और या फिर उसको आप गरम करके उसका घी भी बना सकते हैं। तो ये बन गई हमारी ताज़ा ताज़ा छाछ। देखिए, मिट्टी का चकला और मिट्टी की परात। तो गांव का जो हमारा खाना है यहाँ हरियाणा में, बहुत ही प्योर और मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनेगी।
लाओ इधर भी दिखाइए, अंजीर है तो अंजीर बताइए कौन सी है। अच्छा ये अपने घर पे घर के पेड़ की है। लीजिए अंकल जी, आप बताइए खा के कैसी है। लाओ सही है, तो मतलब सवेरे तावली उठ के काम करना है। चलो बढ़िया है, सुबह जल्दी उठेंगे तो जल्दी काम निपटाएंगे। ये देखिए ट्यूबवेल के पानी से अब सभी कैटल्स को साथ में नहलाएंगे। वातावरण में जो हमारे पशु हैं वो भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अब ये हमारी गायें भी आ गई हैं, गिर और देसी गाय। अब ये छोटी सी बच्ची को भी नहलाएंगे। तो इनको आप रोज नहलाते हो क्या? सुबह शाम। सुबह शाम और ये कितने टाइम का बछड़ा है? एक महीने का बछड़ा। देखिए ट्यूबवेल के पानी से जब पशु भी नहाते हैं तो इन्हें भी अच्छा फील होता है, गर्मी से राहत मिलती है। खुशी ट्यूबवेल का पानी आप रोज चलाते हो या कभी कभी? ठीक है, इसे पशुओं को भी नहलाते हो? चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है जब ट्यूबवेल का पानी चलता है तो सारे घर के जो भी डेली रूटीन के जो काम है तो वो ट्यूबवेल के पानी से जल्दी और आसानी से हो जाते हैं। बिल्कुल, चलिए अब हमें और भी दिखाइए आपके यहाँ पे घर में आपने क्या क्या चीजें लगाई है, पेड़ पौधे सब दिखाइए। चलिए ये है खेत, चलिए देखते हैं क्या क्या उगा रखा है खेतों में। ओह गिरते गिरते बच गई। ये गन्ने लगा रखे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये तैयार कब तक हो जाएंगे गन्ने? एक महीना इनको और लगेगा गन्नों को तैयार होने के लिए। चलिए और ये पानी कहाँ पर लगाया जा रहा है? खेतों में। खेतों में
धान की खेती। चलिए हमें बताते भी रहिए आप क्या क्या लगाया है, कैसे है, कौन सा पौधा कहाँ है। हाँ देखिए, खेत का जो एक प्राकृतिक वातावरण है वो वैसे ही दिल को बहुत सुकून और शांति देता है। तो देखिए, अच्छा ये पानी चल रहा है, धान भैया लगे हैं हमारे। तो ये धान के खेत में भी, अभी ये खाली खेत में है। अच्छा अभी खाली खेत है, फिर इसमें धान उगाएंगे? धान नहीं, ज्वार। अच्छा ज्वार उगाएंगे पशुओं के लिए। ये किस चीज का पौधा है? झाड़ी है, बेर। अच्छा बेर की झाड़ी है, एप्पल बेर। एप्पल बेर। अच्छा ये गन्ने लगे हैं इस साइड पे और ये है धान के खेत। ये कैसे लगाए जाते हैं जरा हमें बताओ। अच्छा तो ये पानी कब तक इसमें ऐसे ठहरा करा जाएगा? ठहरा ये मतलब ऐसे रहता है जब तक बड़े नहीं आते हैं, जब स्टार्ट हो जाते हैं, जब ये खाली रहना स्टार्ट कर देते हैं, जब तक इनको पानी में रखा जाता है। तो देखिए ये है धान की खेती, तो इसमें अभी पानी है और जब तक ये बड़े नहीं हो जाएंगे तो इसमें ऐसे ही पानी का ठहराव किया जाता है, फिर ही हमें बासमती चावल और अलग अलग जो वैरायटीज़ हैं वो खाने को मिलती हैं। तो ये देखिए किसान कैसे मेहनत करके अन्नदाता बनता है, दूर दूर तक धान ही धान दिख रहे हैं। और ये है अमरूद का पेड़। और बताइए क्या क्या लगाया आपने, कहाँ पर है दिखाइए। ये अनार, ये सिंदूरी अनार है या कैसे? ये अनार भी बहुत अच्छे लगे हैं। कहाँ पर? अच्छा इसके साथ ही ग्वार की फलियों के पौधे भी हैं। और ये गन्ने आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ऑर्गेनिक हैं। और देखते हैं, तो ये है हरियाणा के खेत, हरे भरे अमरूद। थैंक यू। चलिए और देखते हैं। ये भिंडी के पौधे हैं। हाँ देखिए इन पे लगी भी हुई है, आपको दिखाएं, ये रही। तो ये घर की ऑर्गेनिक जो है लेडी फिंगर। ये आड़ू का। अच्छा ये आड़ू का पौधा है। तो ये भिंडी बिना पेस्टिसाइड के यूज के है। ये एक अनार है। ओके चलिए आपको अंजीर का पौधा भी दिखाते हैं। तो और ये बेल किस चीज की है यहाँ पर जो लगाई है? ये घिया की बेल है। कोई लगी भी है यहाँ पर? ये सारी तोड़ ली गई। अच्छा तोड़ ली गई। हाँ रोज चाहिए भी। लौकी। हाँ लौकी की जो बेल है तो ये चढ़ाई गई है। ये भी बहुत ही शानदार लग रही है। चलिए और बताइए, ये मिर्ची है, ये भी बेहद खूबसूरत। घर की मिर्ची हो, ऑर्गेनिक मिर्ची, और क्या चाहिए। चलिए ये है अमरूद का पेड़। इस पे तो अमरूद और अच्छे भी लगे होंगे। वो देखिए पके हुए अमरूद भी हैं। चलिए आइए आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे। बिल्कुल ये कीनू का पेड़। तो आप इन्हें रोज पानी देते हैं? तो चलिए ये चीज देखिए बचपन से ही अपने बच्चों में संस्कार में डालिए कि पेड़ पौधे लगाएं, उन्हें रोज पानी दें ताकि पर्यावरण सुरक्षित हो और हमें अच्छा खाने पीने को मिले और हम अच्छा खाएंगे तो ही अच्छा काम कर पाएंगे। ये पपीते का पौधा और पर्यावरण की सुरक्षा बहुत जरूरी है। ये है अंजीर का पेड़। हाँ ये देखिए इस पे छोटे छोटे अंजीर, मैं आपको दिखाती हूँ अंदर की साइड। हाँ थोड़ी बड़े अंजीर भी होंगे। हाँ ये तुलसी। तो ये अंजीर का जो पौधा है ये थोड़े टाइम बाद बड़ा होगा और इसके फल बहुत अच्छे होंगे। इनको सुखाकर फिर ड्राई अंजीर भी एज ए ड्राई फ्रूट हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए अंजीर, और ये बहुत ही अच्छी होती है। अगर सुबह खाली पेट खाया जाए तो ये बहुत ही लाभदायक है हमारी बॉडी के लिए। ये भिंडी, तो यहाँ पर ये देखिए लगी भी हुई है। तोड़कर हम ताजी ताजी सब्जी अपने किचन गार्डन से खा सकते हैं। ये आम का पेड़ है। ओके ये क्या है? अच्छा डॉग हाउस। चलिए इसमें थोड़ा सा, मुझे काटने का डर तो नहीं है ना? चलिए चलिए ये फिर ठीक है।
तो ये है हमारा डॉग हाउस। यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग चीज़ों में डॉग्स को रखा गया है, तो इनकी पूरा देखभाल किया जाता है। तो ये करते हैं, ये कौन सी ब्रीड के डॉग्स हैं? जर्मन शेफर्ड। ये देखने से ही बड़े मतलब खतरनाक लग रहे हैं, मुझे खुद को डर लग रहा है इनको देखकर। ये कितने साल के हैं? ये 6 साल का है, 3 साल का है, ये 6 साल का है। अच्छा, ये देखिए 6 साल का ये जर्मन शेफर्ड, ये 3 साल का, और जो तीसरे पिंजरे में दिख रहा है वो भी 6 साल का है। हाँ, तो इनकी आप देखभाल और रख रखाव कैसे करते हैं? हाँ गोलू बताइए। अच्छा, एक इसके अंदर भी है? अंदर भी है। अच्छा, फूड है इसके अंदर, देखिए। अच्छा, ये रखा है इनमें जो भी। अच्छा, मुझे बताइए इनका रख रखाव कैसे करते हैं, इनकी क्या ज़रूरतें हैं? ज़रूरतें तो कुछ नहीं है, शौक है। हाँ, रख रखाव में ऐसे कुछ चीज़ को सुबह शाम वॉश कर दिया जाता है। हाँ, और डाइट में इनको मतलब नियर अबाउट 2-3 किलो के करीब दूध का पनीर, और एक डॉग को 2-4 अंडे। हाँ, इनका जो डॉग फूड है वो तो आप अच्छी खासी डाइट डॉग्स को दे रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई खरीदना चाहता है तो इनकी कीमत कहाँ तक अंदाज़ा लगा सकते हैं? अंदाज़ा ऐसे होगा ना कि जीएसटी का प्राइस कुछ फिक्स नहीं होता, जैसे नॉर्मल डॉग होता है 5,000 से स्टार्ट होते हैं, 1 लाख तक, 2 लाख तक ले सकते हैं। पपी का कुछ नहीं होता, वो एज अकॉर्डिंग टू ब्रीड पे डिपेंड करता है। ओके, तो चलिए, ये तो बहुत ही शानदार डॉग हैं, और इनको शायद अगर हम घर में पालते भी हैं तो कोई अजनबी भी कोई अगर घर पर आता है तो ब्रीड होता है। बिल्कुल रॉयल ब्रीड है, ये देखने से ही लग रहा है। तो दूसरा देखकर एकदम से डर आ ही जाता है, बट ये बहुत ही वफादार भी है। चलिए, अब इनके लिए कूलर, हाँ पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और ये किस चीज़ का पेड़ है? ये जामुन का पेड़, अक्सर हम हमारे कहानियों में सुनते हैं जामुन का पेड़, उसके ऊपर बहुत खूबसूरत कहानी भी है। तो ये लीजिए पूरा बहुत बड़ा विशाल जामुन का पेड़। ये किस चीज़ का है? शहतूत का पेड़, तो इस पर शहतूत लगते हैं। गर्मियों में आराम से हम दोनों पेड़ अगर हमारे घर में हों और बैकयार्ड में लगाए हों तो इसका आनंद ही अलग है। तो इस पर तो शायद सावन में झूला भी डाल के झूल सकते हैं, है ना? बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा एरिया है जो बैकयार्ड में है। और कुछ बताइए आगे का एरिया में हो क्या क्या? कहाँ पर? अच्छा, चाइनीज पेड़ है ये, छोटा संतरा। अच्छा, छोटे ऑरेंजेस आते हैं, ये चाइनीज ऑरेंज का पेड़ है। ये धान के खेत। हाँ चलिए, अब बाहर चलते हैं डॉगी से बचते हुए, अब इनका खाने का टाइम हो गया है। चलिए अब हम बाहर की ओर चलें। तो देखिए, ये है लाइफस्टाइल, कैसे हरियाणा में फार्म हाउस में सभी चीज़ों को ऑर्गेनिक फार्मिंग करके हम अपना लाइफस्टाइल बहुत बेटर कर सकते हैं। और जितने भी हमारे सोर्सेज हैं, फूड रिसोर्सेज हैं, उनका अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, खुद के लिए भी और आने वाली जनरेशन के लिए भी। हाँ, ये है ठान। ये कैसे, किसके लिए बताइए? ये पशुओं के लिए, खाने के लिए। अच्छा, तो इसमें क्या क्या डालते हैं? इसके अंदर चारा डालते हैं। और तूड़ी कहते हैं जिसको। हाँ, तूड़ी, ठीक है, डालते हैं, वो खाते हैं। ये स्पेशली ऐसे बना ली गई, इसमें डाला और उन्होंने कैटल्स ने खाया, कैटल फीड, ठीक है। और ये चारा बनाने के लिए, वो चाट, पानी गर्म करने के लिए। अच्छा, ये पानी गर्म करने के लिए हारा, नीचे लकड़ियां देके इसके अंदर पानी है वो। ओके, ये हारा है, पशुओं के लिए खाना बनाते हैं। चलिए, ये तो बहुत ही सही है। और बताइए, ये चौका है जहाँ पे वो। हाँ, ये बाहर, जैसे घर के बाहर एक चौका चूल्हा होता है, तो ये बाहर की रसोई। चलिए,
ये स्टोर रूम है सारे ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। हाँ चलिए दिखाइए, हाँ चलिए दिखाइए। अच्छा ट्यूबवेल का सारा पूरा जो मैकेनिज्म, ओके ठीक है। ओके यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पे रहते हैं। अच्छा यहाँ बिल्ली के बच्चे भी हैं बहुत प्यारे प्यारे। ये है चारा काटने की मशीन, ठीक है। डेंजर इसमें दूर से ही दिखा रहे हैं। अच्छा वो चक्की है इसके अंदर। अच्छा चक्की भी है। अच्छा ये पशुओं का ये सब सामान, दवाइयाँ और सब चीजें खेतों के लिए। चलिए हाँ देखिए साथ में सभी गायों के लिए भी चारा लाते हुए। ये देखिए घर घर से बाहर निकलते हुए ही नहर। अभी फिलहाल यहाँ पानी नहीं आया हुआ है बट ये सूखी नहर है, आप देख सकते हैं कि कितनी चौड़ाई है। और दो दिन के बाद इसमें पानी आ जाएगा और डायरेक्ट ये बैठने के लिए जगह, और डायरेक्ट फिर यहाँ से पानी खेतों में भी सप्लाई हो जाता है। तो ये है नहर काफ़ी लंबी। चलिए अब और चीज़ें देखते हैं। तो ये देखिए फार्म हाउस का अपना अलग ही एक सौंदर्य होता है प्रकृति की गोद में। ये नहर का पानी स्टोर करने के लिए। अच्छा ये देखिए नहर का पानी स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज जो ये टैंक बनाया गया है। ये बरगद का पेड़, वट वृक्ष, और ये देखिए ये आपने देखे होंगे ये जो गाय का गोबर है भैंस का गोबर है उससे पूरे ये उपले एक साथ इकट्ठे किए जाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, बटोड़े। तो ये बिटोड़े देखिए हरियाणा के बिटोड़े हैं, इनपे थोड़ी थोड़ी डिजाइनिंग भी की गई है। और के ये मैन्योर जितना भी खाद है जो हमारी नेचुरल मैन्योर है खेतों में डालने के लिए, काउ डंग है बफेलो डंग है उनको एक साथ इकट्ठा करके इसको मैन्योर बनाकर और खेतों में इस्तेमाल किया जाएगा। ये नीम का पेड़, पीपल है साथ में, दोनों ही बहुत अच्छे पेड़। ये क्या है, अच्छा बेल है, ये लौकी की बेल लग रही है। हाँ तो ये है लौकी की बेल, पूरी ऊपर तक चढ़ा रखी है और इस पर बहुत ही अच्छी लौकी लगेंगी। अच्छा तो इसमें क्या उगाने वाले हैं, ज्वार की खेती होने वाले हैं और ये धान है। अच्छा धान है और ये लकड़ियाँ, ठीक है। कितने प्यारे लग रहे हैं जो पक्षी यहाँ पर आ गए हैं, ये दाना चुग रहे हैं या साथ में जो भी इनको खाने को मिल रहा है, कीड़े चुग रही हैं। बिल्कुल उड़ान भरते हुए भी ये देखिए। तो बहुत ही सुंदर वातावरण है। ये देखिए छोटी छोटी जो लौकी हैं इनकी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है ना। और क्या है, ये कितने टाइम तक पक्के तैयार हो जाएंगी, बड़े हो जाएंगे 10-15 दिन में। अभी ये लौकी का फूल कितना छोटा और प्यारा सा लग रहा है, फिर ये लौकी बड़ी होकर हमारे सामने तैयार हो जाती है। ये देखिए वुड पैकर है सामने, वो भी बिल्कुल तार के ऊपर बैठा है, बट बहुत ही सुंदर नज़ारा है। लॉकडाउन के इस पीरियड में अगर फार्म हाउस विजिट करने का अगर आपको कभी भी मौका मिलता है तो ज़रूर करिए, क्योंकि प्रकृति से जुड़ाव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रकृति से जुड़कर हम अपनी आत्मा से एक जो जुड़ाव महसूस करते हैं, परमात्मा से जुड़ाव महसूस करते हैं, वो प्रकृति की ही देन है। ये देखिए
क्या है इनका? आंट्स हाउस। हाँ ये देखिए कीड़ी नगरा भी, कैसे चींटियों ने अपना छोटा छोटा घर बनाया हुआ है। और ये नहर, दो दिन बाद इसमें पानी आएगा, उसके बाद ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। और इसमें चाहे तो बच्चे अगर कम बहाव है तो नहा भी सकते हैं। ये देखिए नहर है, सूखी नहर का, आप ये अंदर से कैसे इसका डिज़ाइनिंग रहता है। हाँ ये पशुओं के नहाने के लिए बनाया जाता है, सीढ़ी दर सीढ़ी है ताकि गिरने की कोई संभावना ना रहे। ये देखिए पानी आएगा तो ऊपर तक पानी आता है, बच्चे भी चाहे तो नहा सकते हैं। क्या होती है? आठ। अच्छा घाट, अच्छा घाट है ये। तो चलिए अब आपको सूखी नहर के अंदर भी हम जाकर दिखाते हैं, और पानी आने पर तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, ये है घाट। पूरी इसकी लंबाई चौड़ाई आप देख सकते हैं, शायद जिसको स्विमिंग आती हो वो आप सभी को अच्छे से तैरना आता है? तो देखिए गांव में कैसे सभी बच्चे स्वतः ही तैराक हो जाते हैं। इसके ऊपर से भी जाकर देखते हैं। और क्या क्या है? चलिए ये जो नहर है, नहर के पास ये एक ट्यूबवेल हाउस है जिसे कोठा कॉटन, ओके। अच्छा यहाँ पर फिर से धान की खेती और कॉटन प्लांट्स भी हैं। कॉटन प्लांट्स, हाँ नरमा कहा जाता है। ये घड़ोई है। अच्छा हमें बताते रहिए साथ साथ, क्या इसमें होगा? इसके अंदर यहाँ से पानी आएगा। अच्छा पानी और खेतों में सप्लाई होगा। तो ये घड़ोई है देखिए, ये धान के खेत, ओके सोने के लिए। हाँ हाँ लेबर, अच्छा लेबर के लिए खाना, किचन, ठीक है। चलिए ये है कॉटन फ्लावर्स, ये देखिए कॉटन प्लांट है, ये नरमा है, नरमे का फूल, और जब ये पूरा तैयार हो जाता है फिर कॉटन आती है। चलिए कितने दिन में अब ये पूरे पौधे तैयार हो जाएंगे? इनके टिंडे आ जाएंगे और फिर उनको चुगना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, ये देखिए इस प्रकार से कॉटन, और ये खुल जाए, ये खुल जाएगा पंखुड़ी गुलाब की तरह, और फिर इसके अंदर कॉटन तैयार हो जाती है। तो ये है नरमा, ये बिल्कुल अभी ये 5.5 फुट करीब हो गए हैं इनकी हाइट, फिर इससे कॉटन हमें मिलती है, कॉटन से हम, ओके वाटर वर्क्स भी है। ये खेत का लाइट हाउस है तो यहाँ से पूरी बिजली सप्लाई होती है। चलिए अब वापस चले बैक टू पेवेलियन। चलिए चलिए आइए आइए, हाँ नहर से बाहर आते हुए थोड़ी मशक्कत तो उठानी पड़ती है, पर चलिए ये भी एक अच्छा एडवेंचर है। योग है, योग बनाए निरोग। ये किस चीज़ का पेड़ है? ये पापली। ओके पापलिन, छांव के लिए ये पौधा लगाया गया घर में। अच्छा ये है अर्जुन की छाल, अर्जुन का पेड़, क्या खासियत है आप बताइए? इसके अंदर जो सोडा होता है वो पानी के अंदर आप डाल के पी हैं तो वो अच्छा होता है। अच्छा जिसके लिए बोला जाता है अर्जुन की छाल उबाल के पीनी है पानी में, तो ये है अर्जुन की छाल। तो ये तो बहुत ही सोडा। अच्छा कहाँ पर? हाँ वो देखिए आप देख पा रहे हैं ऊपर छाल लगी है, तो इसको तोड़कर हम चाय में उबालकर या इसको पानी में उबालकर पीते हैं तो कोलेस्ट्रॉल कम होता है, रिड्यूस होता है। तो
अपने घर में आप अर्जुन का पेड़ लगाइए और स्वतः ही बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कीजिए। इधर आ जाओ। डॉग केज है बट बच्चे बड़े नॉटी हैं। चलिए अब एक्वेरियम भी लाइट्स ऑन। अच्छा, इन फिशेस का कुछ नाम भी रखा है। ये तो बड़ी प्यारी फिश है, एंजल। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। इनका अलग से फूड होता है। अच्छा, अलग से फूड आप देती हैं खुशी? बस। देखो ये खा रही है, दिखाओ। चलिए ये भी बहुत बेहतरीन है। चलिए ये हमारे स्कूल के दादा। हाँ जी, ये हमारे स्कूल के दादा जी हैं, इन्होंने हमें बहुत सा ज्ञान दिया है कि पौधे लगाने चाहिए घर पे, और बहुत सी नॉलेज भी दी है इन्होंने हमें। तो मतलब ये प्रकृति से जो जुड़ाव और लगाव है ये हमारे पुरखों की ही देन है। बिल्कुल बिल्कुल, शत शत नमन। रात को जब पशुओं को यहाँ मारते जब भी हवा देता है। ओके, तो ये है मोटर वाला पंखा, ये पशुओं के लिए बहुत प्रेशराइज हवा देता है ताकि ये सेल है जहाँ से वो प्रेशर। अच्छा, ये तो बहुत ही शानदार चीज है, ये लगता है बनाया हुआ है। ये मोटर लाइन या बाकी सब बनाया हुआ है। चलिए, इसे मच्छर नहीं काटते पशुओं को, ये भी बहुत ही बेहतरीन है। ये देखिए शानदार बुलेट, आई थिंक ये 1968 मॉडल है, 1969 मॉडल। बहुत ही शानदार, देखते ही इस बुलेट की जो छवि बन रही है वाकई में लाजवाब है। ये है 1968 बुलेट मॉडल, और देखिए इसकी चाबी कहाँ लगती है, कीज है इसका जो यहाँ पर लाइट सिस्टम यहाँ पर है। ये तो वाकई में बहुत शानदार है। हॉर्न सिस्टम, ओके, पीछे इसकी लाइटिंग है। देखिए बहुत ही शानदार मॉडल है, जहाँ पर प्रकृति से लगाव और गैर सिस्टम भी उल्टा है, और एंशियंट जो चीज़ें हैं उनसे भी लगाव और साथ में टेक्नोलॉजी के साथ लगाव, तो एक साथ हम अपने घर में सीखते हैं। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। ये देखिए हमारी पारंपरिक चक्की, चक्की पर कैसे आटा पीसते हैं, आटे का एक एक इसमें, हाँ, दलिया भी बना सकते हैं, आटा बना सकते हैं, किस स्पीड से इसको किया जाता है, एक एक मुट्ठी इसमें अनाज डाला जाता है, फिर इसको पीसते हैं, और इस प्रकार से जो दलिया बनाया जाता है, आटा बनाया जाता है, वो सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी है, लाभकारी भी है। ये देखिए चक्की का पाल। ये देखिए, इसे देखिए, एक साथ तो एक्सरसाइज भी होती है, हाथों की भी मूवमेंट्स भी होती है, और साथ ही साथ खाने के लिए अच्छा आटा भी तैयार हो जाता है। अगर आटे में ज़्यादा समय लग रहा है तो दलिया तो तैयार करना इससे बहुत ही आसान है, एक साथ दोनों फायदे हैं। तो देखिए यही जो चक्की का चक्र घूम रहा है, और ऐसे ही हमारे जीवन का जो काल चक्र है वो भी चलता रहता है। तो इसी के साथ हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें, और अच्छे से अपने आयुर्वेद का जो खाना पीना है वो खाएं, सेहतमंद रहें, और जन कल्याण के कार्य करते रहें, और ऐसे ही ये जीवन चक्की की तरह ये चलता रहेगा, गतिशील रहेगा, गतिमान रहेगा। इसी के साथ आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।